दो तीन दिन पहले उनको पार्टी से निष्कासित किया है और कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि बैकडोर से वो अगर जीतते हैं तो फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पे फुल स्टॉप लगाने का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी या पहुंचेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जनता से अपील जरूर करेंगे कि मतदान करें। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से यहाँ पर पवन सिंह का समर्थन कर रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी का सिंबल दिखाते हैं, उन्होंने ये जग जाहिर कर दिया कि वो एनडीए के पक्ष में नहीं सिर्फ बीजेपी। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आखिरी चरण, आखिरी मौका और बिहार की 8 लोकसभा सीट, जहां एनडीए अपनी मजबूती का तो दावा कर रहा है लेकिन आरजेडी की तरफ से भी बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन अगर बिहार की 8 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर चर्चा की जाए तो वो सीट होती है काराकाट की। काराकाट सीट जिस पर इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए यहां पर एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की जीत दर्ज नहीं हो पाएगी। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने यहां पर जीत दर्ज की थी आरजेडी के प्रत्याशी को हराकर। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है। जहां पर CPIML की बात करें, उनकी तरफ से प्रत्याशी यहां पर राजा राम कुशवाहा हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में पवन सिंह हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जहां तमाम पार्टियां हैं, तमाम चेहरे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या एनडीए खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्या पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करना कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना है? क्या पवन सिंह को जिताना एकमात्र मकसद भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? इसके साथ तमाम सवाल जो बन रहे हैं न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, अब अगली सीट की बात करें, काराकाट की है और बिहार में काराकाट सीट पर दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव द्वारा कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश खुद भारतीय जनता पार्टी रच रही है, क्योंकि यहाँ पर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करना और उसके बाद कहीं ना कहीं पवन सिंह का दावा ये करना कि इस सीट पर वो चुनाव जीत जाएंगे, क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एनडीए खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि काराकाट सीट को लेकर शायद इससे पहले इतनी तवज्जो मिली भी नहीं होगी। जब से पवन सिंह वहां पर गए उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या पवन सिंह अपनी मर्जी से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी की तरफ से उनको यहां उतारा गया है और एक साजिशन कह सकते हैं कि पूरे का पूरा मामला है। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनकी राजनीति भी ऐसा लगता है कि लगभग अब अंत की तरफ दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ से वो चुनाव हारते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग ऐसा माना जाएगा कि वो स्टॉप होते हुए नजर आएंगे राजनीति के लिहाज से। लेकिन क्या पवन सिंह को बाकी बीजेपी ने उतारा है या पवन सिंह खुद अपनी मर्जी से इस सीट पर उतरे हैं, क्योंकि इसी को लेकर सारा का सारा मामला दिखाई पड़ता है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि पवन सिंह ने बीजेपी की जो कह सकते हैं कि बात नहीं मानी, उनकी बात ना मानकर उन्होंने अपने कह सकते हैं कि जो फैसला किया है और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं काराकाट सीट से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय जाऊँगा। लेकिन अहम बात यह हो जाती है कि अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ना था तो क्या आरा सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे? क्या और सीटें थी वहाँ पर नहीं जा सकते थे? एक बार तो खबर ये भी थी कि वैशाली में वो आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सब खबरों के बीच आखिर उनका ये कहना या ये इस तरह का फैसला करना कि भाई मैं काराकाट जाऊंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव में जाऊंगा, अपने आप हर किसी गले नहीं उतर रहा है। क्योंकि बीजेपी ने कह सकते हैं कि अब ही दो तीन दिन पहले उनको पार्टी से निष्कासित किया है और कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि बैकडोर से वो अगर जीतते हैं तो फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पे फुल स्टॉप लगाने का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी ने फिक्स कर लिया है। तेजस्वी भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई यहाँ से पवन सिंह के जरिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पे पूरी तरह से लगाम लगाना चाहता है। कितना इसमें सच है, कितना इसमें कह सकते हैं निराधार बातें हैं, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता लग जाएंगे जब 4 जून को रिजल्ट आएगा पहले तो, उसके बाद फिर पवन सिंह किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर पवन सिंह को लेकर जिस तरह तेजस्वी यादव बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उनको अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं? क्योंकि जो आरजेडी है वो लगातार बिहार के अंदर अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ती है। अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में हर एक सीट के ऊपर या हर एक क्षेत्र के ऊपर कह सकते हैं आरजेडी भी पूरा ध्यान रख रही है। तो हो सकता है कि पवन सिंह भी कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ भी रुख कर सकते हैं, या फिर अगर बीजेपी से उनका अगर वाकई में पूरा मोह भंग हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि आरजेडी के खेमे में
पवन सिंह यहाँ से शामिल होते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर पवन सिंह को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे, उसके बाद ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन ले सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी मां को भी आगे किया, अपनी मां का भी नामांकन पत्र दाखिल करवाया, उसके बाद यहां पर खुद अपने आप को चुनाव से दूर करने की बात वो करते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी बरकरार हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो मात्र सिर्फ 2014 में वो चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। इस सीट पर कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी का दबदबा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो कई ऐसे मौके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एनडीए यहां पर खड़ा हो सकता है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जैसे कि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम बिहार में हुए, उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी उनके साथ देखने को नहीं मिली, जिसके बाद ये संकेत दिए जाने लगे कि सीटों को लेकर नाराज थे उपेंद्र कुशवाहा। कम से कम 3 सीटों की मांग वो भी कर रहे थे, एक सीट मिलती है जिस पर अब वो खुद ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि एनडीए सहयोग करे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी दौरा काराकाट पर आज देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां तेजस्वी यादव कह रहे थे, वहीं मुकेश सहनी का भी ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव के बाद पार्टी से बेदखल कर दिए जाएंगे, क्या कहना है इसका? बिल्कुल, देखिए इस बात में यहाँ बहुत हद तक सच्चाई नजर आती है, क्योंकि लगातार ये बात यहाँ पर जग जाहिर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम अपनी पार्टी की तरफ से वो यहाँ पर या अपनी पार्टी के लिए कहें 2 से 3 सीटों के लगातार एनडीए से मांग रख रहे थे, लेकिन जब एक आधिकारिक सूची बीजेपी ने तैयार की थी उससे पहले एक सूची आई थी या कहीं उससे पहले एक मीटिंग चिराग पासवान की हुई थी दिल्ली में आकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और उस दौरान उस मीटिंग तक कयास ही लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान को 1 सीट मिलेगी और उनकी चाचा पशुपति पारस को 5 सीट मिलेगी, लेकिन चिराग की दिल्ली मीटिंग होते ही साफ हो गया कि बीजेपी उन्हें 5 सीट देने जा रही है। अब उन्हें 5 सीट देने का मतलब था कि अब खाते में महज 2 सीटें रह जाएंगी, जबकि 17 और 16 जेडीयू बीजेपी की तय थी, जिसके बाद 5 सीटें राष्ट्रीय लोजपा को ना देकर के रामविलास लोजपा को दी गई, अब यहां पर महज 2 सीटें बच रही थी। अब उन 2 सीटों के लिए जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी थी, राष्ट्रीय लोजपा भी थी और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी थी, यानी कुल मिलाकर के इनका खेल बिगड़ चुका था। फिर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट दे दी गई और राष्ट्रीय लोजपा को कुछ ना देकर के उपेंद्र कुशवाहा के खाते में महज 1 काराकाट सीट डाल दी गई। अब यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने भी आई थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि एनडीए का हिस्सा लंबे वक्त से रहे हैं, नाराजगी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति यहां पर ना बन जाए, लिहाजा वो एनडीए के साथ बने रहे और अब तक भी बने हुए हैं। लेकिन अब जो यहां पर पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं, अगर देखिए यहां पर पीछे से भारतीय जनता पार्टी संगठन का, देखिए यहां पर अगर भाजपा, अब देखिए 2 चीजें मुझे लगता है इसमें यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट जरूर पहुंचे हैं यहां पर या पहुंचेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जनता से अपील जरूर करेंगे कि मतदान, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से यहां पर पवन सिंह का समर्थन कर रही है तो वहां पर जिम्मेदारी निभाएगा संगठन। संगठन में जिला स्तर पर, संगठन में जिला अध्यक्ष होंगे, मंडल के स्तर पर जो नेता होंगे, तमाम क्षेत्रीय जो नेता होंगे, वो यहां पीछे से पवन सिंह को अगर समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगने वाला है और तेजस्वी की कही बात भी यहां शायद सच हो जाए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का दावा, लेकिन दावों के आधार पर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से जुड़कर पहली बार नहीं रहे हैं, एनडीए का जो दामन थामा है मजबूरी में थामते हुए नजर आए। इससे पहले जेडीयू पार्टी का हिस्सा थे, उसके बाद आप देखिए अलग हुए, फिर जेडीयू पार्टी के साथ जुड़े, फिर अपनी पार्टी का गठन करते हुए नजर आए, एनडीए का हिस्सा बन गए, लेकिन अब एनडीए से ही बेदखल कर दिए जाएंगे, इस बात के संकेत बार बार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ना सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बल्कि यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर भी यही बातें उठती हुई नजर आ रही। मनीष मेरे साथ मौजूद है, मनीष, चिराग पासवान को लेकर भी मुकेश सहनी का ये कहना है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। यहाँ पर जो पूरा माहौल बिगड़ा है वो नीतीश कुमार द्वारा बिगड़ा है। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैली में नजर आए थे, जब उनका कद देखा गया था, उनका हाव भाव देखा गया था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि शरीर वहां पर है, मन हमारे पास है, तो इसी आधार पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान भी बगावत कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब तक बगावत का दौर चलता हुआ आ रहा है, बगावत के जो सुर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आते हैं कि कांग्रेस के काफ़ी नेताओं ने बगावत करके दूसरी दलों का समर्थन किया है, उनका साथ दिया है, उनके पाले में गए हैं, और वही हाल बीजेपी में भी है। बीजेपी में भी कई लोगों ने बगावत करते हुए यहाँ पर सरकार को बड़ा झटका दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका दिया है। और जैसे आपने बात करी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की,
तो जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है बिहार की राजनीति को लेकर, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से आपने सीएम नीतीश कुमार का जिक्र किया रोड शो के दौरान उनके साथ जो हुआ वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, पटना गए थे रोड शो में, तो उनको जेडीयू के समर्थन में यहाँ पे वोटिंग की अपील करनी चाहिए थी। यहाँ पर जनसभा जो इन्होंने रोड शो निकाला वो जेडीयू के समर्थन में करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी का सिंबल दिखाते हुए उन्होंने ये जग जाहिर कर दिया कि वो एनडीए के पक्ष में नहीं, सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने वहाँ पर गए थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आपने चिराग और उपेंद्र का यहाँ पर जिक्र किया, तो वो भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे पाले में जाने को तैयार रहे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जब से लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है, जब से शुरुआत हुई है तब से ही एनडीए की परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, और बिहार में तो स्थिति ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि एनडीए के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल ही नाराज नजर आते हैं, कभी सीटों को लेकर, कभी प्रत्याशियों को लेकर, तो कभी यहाँ पर अपनी सीटों को बचाने के लिए निर्दलीय चेहरों को लेकर। अब ऐसे में काराकाट सीट कहीं ना कहीं बिहार में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी पावर स्टार यहां पर टिक नहीं पाएगा, क्या ऐसा होता हुआ नजर आता है या उपेंद्र कुशवाहा की यहां से वापसी होती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।